हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन्स। आपको पता है डिजिटल सिग्नल्स आर बेटर। क्यों डिजिटल सिग्नल्स क्यों बेटर हैं? बिकॉज सिंपल हैं और लेस एक्सपेंसिव हैं एंड नॉइस कैन बी फिल्टर्ड आउट और सिक्योर हैं। लेकिन हम बोलते भी एनालॉग हैं, समझते भी एनालॉग हैं, देखते भी एनालॉग हैं, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल्स आर बेटर। तो किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के स्टेप्स क्या हैं? हम एनालॉग सिग्नल की सैंपलिंग करते हैं, एक सैंपलिंग इंटरवल निकालते हैं। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस से भी ज्यादा। जितनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना सैंपलिंग इंटरवल कम होगा और जो रिकवर्ड वेव बनेगी उसकी स्टेप विड्थ कम होगी। याद है ना आपको? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद सैंपलिंग इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू जो भी आती है उसको उस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके सेंड कर देते हैं। रिसीविंग एंड पे बाइनरी नंबर रिसीव करते हैं, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और आपको आउटपुट मिलती है। कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे, थोड़ा तेज चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, मैं थोड़ा स्लो चलता हूं, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे रिलेटेड। ऑन करते हैं तो देखते हैं। स्टेप्स आपने याद रखनी है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। इट शुड बी ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस नहीं, मोर देन ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो सिग्नल। उसकी ट्वाइस के डबल से भी ज्यादा होनी चाहिए। तार निकालो एचडीएमआई के पर। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे उतनी क्या हो जाएगी बेटा? उतना सैंपलिंग इंटरवल कम हो जाएगा और आखिर में जो स्टेप विड्थ हो जाएगी वो कम हो जाएगी। और हम अभी 4 बिट पे बात कर रहे हैं। 4 बिट से क्या होगा? 16 लेवल्स को डील कर सकते हैं हम लोग, 0 से 15 वैल्यूज तक। नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देंगे तो फिर स्टेप हाइट भी कम हो जाएगी। स्टेप हाइट स्टेप विड्थ पे भी डिपेंड करती है। आज हमें यही पढ़ना है। एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। जी बेटा ये है, ये बता दे मैंने नीचे ऊपर करें मेरा और ऊपर नीचे लिखा होगा और ऊपर का। इट इज May-June 16 वेरिएंट 43। May-June 16 वेरिएंट 43। जी बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज। तो नीचे और इसको जरा zoom कर सकते हो सर? इसको 200 पे लोग कर दीजिए, कर ज़्यादा वैसे नहीं, इसके लिए सही वैसे सिग्नल के लिए बस वो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। हाँ अभी चलो छोटा करो, बाद में 200 करते हैं। हाँ जी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ जी छोटा करो। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वोल्टेज लेवल ऑफ अ पार्ट ऑफ एनालॉग सिग्नल इज शोन। थोड़ा सा ऊपर करो बेटा। दिस इज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? वोल्टेज चेंज होती जा रही है, रेंज ऑफ वोल्टेजेस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान भी इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं। वोल्टेज चेंज होती जा रही है, वोल्टेज वेरिएबल है विद टाइम, वोल्टेज के 2 से ज्यादा लेवल्स हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इट इज एनालॉग सिग्नल। टाइम दिया हुआ मिली सेकेंड में। ऊपर करें बेटा। हाँ जी द सिग्नल इज सैंपल्ड एट सैंपलिंग इंटरवल दिया हुआ है आपको, 0.2 मिली सेकेंड सैंपलिंग इंटरवल। इंटरवल गिवन है आपको कितने पे आपने किया? 0.25 मिली सेकेंड इंटरवल पे सैंपल किया इसको। सैंपलिंग क्या गिवन है? इंटरवल गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी नहीं। बहुत अच्छी बात है। ईच सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू 4 बिट नंबर। फिगर 5.2 लिस्ट द वेरियस टाइम एट विच द वोल्टेज लेवल इज सैंपल्ड। हाँ जी जीरो टाइम पे वोल्टेज की जो भी वैल्यू थी उसको सैंपल किया, 0.25 पे पॉइंट दिस वोल्टेज लेवल इज सैंपल एंड ईच सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू 4 बिट डिजिटल नंबर, 4 बिट नंबर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी ऑन फिगर 5.2 अंडरलाइन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है बेटा? इसकी ये इसने किससे मल्टीप्लाई होना होता है? 2 पावर 0 से या 1 से? इसने किससे मल्टीप्लाई होना होता है? 2 पावर 1 से। इसने 2 पावर 2 से। इसने 2 पावर 3 से।
तो जिसने 2 पावर 0 1 से मल्टीप्लाई होना होता है, ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। थोड़ा सा ऊपर ही है। और इससे किससे मल्टीप्लाई होना होता है, 8 से, तो इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो लिखी हुई है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है राइट साइड पे, जिससे डेसिमल नंबर में होता है आपको 142 लिखा हुआ है तो 2 चेंज हो जाए ना तो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, 100 चेंज हो जाए तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो जितना राइट पे होगा राइट मोस्ट वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट, लेफ्ट मोस्ट वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अच्छा अब वो कहते हैं कंप्लीट द टेबल। अब आपने इस टेबल को फिल करना है, जीरो टाइम पे जो भी वोल्टेज है उसको इसमें कन्वर्ट करना है 0.25 पे। तो पहले हमें ग्राफ पे जाना पड़ेगा, 0.255 के इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू चेक करनी है और उसको कन्वर्ट करना है। ग्राफ निकालने का बस यहाँ पे ऐसे ही रहना है और नीचे कर देना थोड़ा नीचे ऊपर आ रहे बस यहाँ पे। जी बेटा मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड पे नजर आएगा आपको, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। टी इज इक्वल टू जीरो पे मैं टेबल इधर से बना रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5। यहां पे डेसिमल वैल्यू फिर बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। जी टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू थी उसने खुद कर दी है, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू है, थोड़ी नीचे है। अच्छा एक किसके इक्वल है, टू, और ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5 2/5, 0.4 लीस्ट कौन 0.4 है, ये 10, ये 10 है, 10.4, 10.8 और ये 11 था ऑलमोस्ट 11। तो इस पे 11 वोल्ट थी जिसको उसने कन्वर्ट कर दिया। अभी हम ये बाइनरी नंबर में बाद में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ बाइनरी और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिखा हुआ। अच्छा फिर 0.25 पे क्या वैल्यू है, 0.25 पे ये वैल्यू है 6 वोल्ट। फिर 0.5 पे क्या वैल्यू है, 0.5 पे 8 है 8 वोल्ट। फिर 0.75 पे क्या है, ऊपर तक आ रही ये 0.75 कितनी है, ये वैल्यू आ रही है 14.8 को भी 14 लेंगे आप, देखो ना 0.75 पे कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है और ये 14 है ना, ये 14.4 14.8, जब तक 15 नहीं आता उसको 14 कंसीडर करेंगे, 0.75 पे 14 वोल्ट है। अच्छा 1 पे क्या है, व्हाट इज 1, 1 पे ये वोल्टेज है, मैं वोल्टेज पढ़ रहा हूँ 4.4, 4.8 है, एग्जैक्ट 5 है। अच्छा फिर उसके बाद 1.25 पे क्या है, 1.25 पे ये वैल्यू वोल्टेज की, ये 3 है और 1.5 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1 है। जी बेटा मैंने ग्राफ से चेक कर ली सैंपलिंग इंटरवल पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गई। अब इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए बाइनरी नंबर 11 उसने खुद कन्वर्ट करके दिया है, 1 1 0 1 1 मेरे ख्याल से है, मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट 11 को। क्या होता है जी, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 ऐसे लिख लें आप एक बार, 11 8 4 2 1 8 4 1 1 1 0 1 11 बनेगा, 11 तो दिया हुआ था, 6 कब बनेगा, 6 कब बनेगा, 4 प्लस 2 0 1 1 0 तो 6 क्या होगा, 0 1 1 0। 8 कैसे बनेगा, 8 चेक करना है, 8 ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए 8 बनाने के लिए, बाकी सब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, 8 किसके इक्वल है, 1 ट्रिपल 0 14 कैसे आएगा जनाब, 14 8 प्लस 4 प्लस 2 1 1 1 0 14 1 1 1 0 उसके बाद 5
फाइव कैसे आएगा जनाब? फाइव फाइव फाइव, फोर प्लस वन, ये वाली फोर वाली वन होनी चाहिए और ये वन होनी चाहिए, बाकी दोनों क्या होनी चाहिए? जीरो। उसके ये क्या हो गया? जीरो वन जीरो वन। थ्री कैसे आएगा जनाब? थ्री, टू प्लस वन थ्री होता है, जीरो जीरो वन वन थ्री, जीरो जीरो वन वन। और बेटा वन कैसे आएगा? जीरो 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 वन। तो मैंने क्या किया, सैंपलिंग इंटरवल के ऊपर जो भी डेसिमल में वोल्टेज की वैल्यू थी उसे कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर में। ऊपर के लिए बेटा बाकी क्या पूछते हैं, ये हमने कर लिया फिर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा प्लॉट, अब हमने क्या बनाना है? रिकवर्ड वेव, जो वापस मिली है ना आपको, आपने सिग्नल सेंड कर दिए, बिट सेंड कर दी, और उसके बाद रिकवर्ड वेव ड्रॉ करनी है। ऊपर कर दे बेटा ऊपर, हाँ जी ये बना बिल्कुल ठीक बेटा। यहाँ पे मैंने रिकवर्ड वेव बनानी है जो आप रिसीव करेंगे रिसीविंग एंड पे। सेंड तो की थी ना एनालॉग वेव, अब आपको यहाँ पे जो एनालॉग वेव मिलेगी जिसको आप कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो जीरो टाइम पे क्या पहुंचा है? जीरो टाइम पे इलेवन पहुंचा है ना, वन वन जीरो वन नहीं इलेवन, आपको ये बिट्स पहुंचेंगी ना, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, ये बाइनरी नंबर पहुंचेंगे, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ये वैल्यूज आ गई सारी मेरे पास। इस तरह टेबल बनाने का फायदा हो गया आपको। तो जीरो टाइम पे इलेवन है, इलेवन इलेवन कहां पर है ना, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व के दरमियान, यहां पे इलेवन है। और ये इलेवन कब तक रहेगा? जब तक नेक्स्ट डाटा नहीं आएगा, जीरो से लेकर जीरो पॉइंट टू फाइव तक इलेवन रहेगा, इलेवन आउटपुट रहेगी इतने टाइम तक। तो इलेवन कहां पर है? ये आउटपुट रहेगी यहां तक, पॉइंट टू फाइव पे जाके सिक्स पहुंचेगा, सिक्स ये सिक्स है, सिक्स। तो मैं नीचे आ जाऊंगा, पॉइंट टू फाइव पे सिक्स वोल्ट पहुंचेगी, ये सिक्स पहुंचेगी, कब तक रहेगी? पॉइंट फाइव तक सिक्स रहेगी, पॉइंट फाइव तक सिक्स रहेगी, यहां तक सिक्स रहेगी जनाब, रिकवर्ड वे बना रहा। फिर पॉइंट फाइव पे क्या पहुंचेगी? एट हो जाएगी वोल्टेज, एट यहां से ऊपर गए, एट हो गई। और एट कब तक रहेगी? जब तक नेक्स्ट डाटा नहीं आता, अगले 0.25 सेकंड तक आउटपुट एट रहेगी, एट। अच्छा भी 0.75 पे चेंज हो जाएगा, क्या एट से कितनी हो जाएगी? 14, एट से 14, ये एट है ना, 14 कहां है? ये यहां पे पहुंच रहा है, ये ऊपर गई वेव स्ट्रेट लाइन, और ये आगे तक वन तक रहेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, वन तक 14 रही, अब 1 पे आके 5 हो गई, 5 पे आ गए, 5 ये है इनके दरमियान में, ये 5 है, यहां पे डॉट लगा रहे, ये 5 हो गई। और 5 कब तक रहेगी? जब तक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं आती। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कब आएगी? 1.25, 1.25 पे 3 हो जाएगी, 3 कहां पर है इतना? इनके दरमियान में, ये 3 है, ये 3 होगी। और 3 कब तक रहेगी? जब तक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं आती। और 1.5 पे 1 हो जाएगी, 1 यहां पे आ जाएगी। तो बेटा दिस इज रिकवर्ड वेव, रिकवर्ड एनालॉग वेव, रिकवर्ड एनालॉग वेव। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था अभी क्लियर हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सैंपलिंग इंटरवल निकालते हैं, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं, सैंपलिंग इंटरवल निकालते हैं, उस इंटरवल पे वोल्टेज की डेसिमल वैल्यू चेक करते हैं, वो ये वैल्यूज थी, इन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके सेंड कर देते हैं, ये डाटा सेंड करती है, और रिसीवर ये डाटा रिसीव करता है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है और रीड्रॉ करता है। गेट इट? और कुछ पूछा इस क्वेश्चन में? वे बना दी थी, हाँ आगे पूछते हैं। द ट्रांसमिटेड सिग्नल हैज लेस डिटेल्ड देन इंफॉर्मेशन सिग्नल, लेस डिटेल्ड है ना, ये तो सीधा सीधा है, उसकी तो वोल्टेज अप एंड डाउन हो रही थी। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन टू मींस बाय विच द लेवल ऑफ डिटेल ट्रांसमिटेड कुड बी इंक्रीज्ड, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन टू मींस बाय विच द लेवल ऑफ डिटेल इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल कुड बी इंक्रीज्ड। आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो क्या करें, इंक्रीजिंग द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो उससे क्या हो जाएगा, व्हेन यू इंक्रीज द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी तो क्या हो जाएगा, स्टेप विड्थ विल बी रिड्यूस्ड, स्टेप विड्थ रिड्यूस होने से लिटिल चेंज इन वोल्टेज
लिटिल वेरिएशन इन वोल्टेज कैन बी डिटेक्टेड. और क्या करें, स्टेप हाइट, ये तो हाइट है ना इनके दरमियान, स्टेप हाइट, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स. दूसरा स्टेप क्या करें, इंक्रीज द नंबर, 4 बिट की जगह आप 8 बिट डेटा यूज करें, 8 बिट, उससे क्या हो जाएगा, उससे स्टेप हाइट विल बी रिड्यूस्ड. इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं बेटा, कौन सा ईयर था, मई जून 16, इसकी मार्किंग स्कीम निकालें, मई जून 16. और फिर क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5, और वेरिएंट 43, वेरिएंट 43, 43 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, 5. अब जरा उस पे ई ड्राइव में यहां पे इसके से क्लिक करो, इधर नीचे देखो इस पे इधर फिर हाथ ये तो ये वो निकला था ना, ये हाँ, इस पे पीछे आ जाओ 9702, और इसके आ जाओ मई जून 16, नीचे नीचे ये मई जून 16, इसके मार्किंग स्कीम और नीचे करो 43, खोलो Increase the sampling frequency, so step width is reduced. Increase the number of bits, so step height is reduced. यही चीज है जो हमने बात की थी. Step width को भी कम कर दें, step height को भी कम कर दें. Width को कौन चीज कम करेगी, sampling frequency बढ़ा देंगे. और height को कौन सी चीज कम करेगी, आप number of bits बढ़ा देंगे. ठीक है जी, एक और question करते हैं. Next. जी बेटा, next question निकाल दें. Yes sir. जी बेटा, ये क्वेश्चन है ऊपर के लिए, इसका ईयर बताऊं ऊपर लिखा हुआ, ये अक्टूबर नवंबर 15 वेरिएंट 43, अक्टूबर नवंबर 15 वेरिएंट 43. अच्छा बेटा, ये मैंने कुछ क्वेश्चन का सिलेक्टेड पार्ट लिया जो हमारे काम से रिलेटेड है, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले. सिलेबस कुछ और था, वो चेंज हो गया. अच्छा ऊपर करो बेटा, क्वेश्चन ऊपर ऊपर, इसको नीचे कर दो. क्वेश्चन स्टार्ट, हाँ जी, क्या कहते हैं बी पार्ट, द वेरिएशन विद टाइम टी अ पार्ट ऑफ अ सिग्नल एट अ पॉइंट पी टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्टेड इज शोन. ये एक एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, क्यों एनालॉग सिग्नल, वोल्टेज हैव रेंज ऑफ वैल्यूज, वोल्टेज हैव इंटरमीडिएट वैल्यूज बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज है. ओके, क्या कहना है जनाब ऊपर के. अच्छा, द एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सैंपल्स द सिग्नल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज़. सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज़, एंड द फर्स्ट सैंपल इज टेकन एट टी इज इक्वल टू 0. फर्स्ट सैंपल टी 0 पे लिया हुआ. यूजिंग द डेटा फ्रॉम फिगर 12.2 ड्रॉ ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 12.3 विद द आउटपुट, और आपने आउटपुट ड्रॉ करनी है फ्रॉम 0 to 1.5 मिली सेकेंड्स. बेटा ये सिग्नल भी आ रहा है, इसके बाद बस इस पर ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर करो, यहाँ ऐसी जगह पे सेट करो जहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन काम आता हो. आप उसको लेफ्ट पे लाना चाहो तो ला सकते हो सर, लेफ्ट में ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है सर, परफेक्ट है. थोड़ा सा ऊपर कर दो सर. सर एक्स एक्सिस पे आएगा 0.75 पे रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे जी, बाकी ठीक है, इधर आ रहा है ना रिफ्लेक्शन जी, बिल्कुल. अच्छा बेटा, नॉन लिस्टिंग डिलीवरी प्लीज. अब मैंने क्या करना है, ये आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो पहले आप सैंपलिंग इंटरवल निकालें, सब बच्चे खुद करें इसका सैंपलिंग इंटरवल निकालें. आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, टाइम पीरियड निकालें, क्या वो मानोगे. हाँ जी, आई एम कैलकुलेटिंग सैंपलिंग इंटरवल, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 1/f ये मिली सेकेंड में, 1/4000
तो आ जाएगा 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स, और मिली सेकेंड में हो जाएगा 0.25 मिली सेकेंड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने सैंपलिंग इंटरवल निकाल लिया 0.25, सैंपलिंग इंटरवल इज 0.25। अब आप क्या करेंगे, 0.255 के इंटरवल पे इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसको सेंड कर देंगे, फिर उसी वैल्यू को रिसीव करेंगे और बाद में रिकवर्ड में बन जाएगी। तो मैं कर रहा हूं स्टेप, 0.25 का इंटरवल है 0.25, हमें इसको रेज करना पड़ेगा। आप साइड पर लिख लें, यहां पर लिख देते हैं सैंपलिंग इंटरवल कितना है, व्हाट इज इंटरवल, 0.25 मिली सेकेंड, रेज कर दूं इसको। अच्छा भाई, अब मैंने इतने इतने इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू चेक करनी है, यहां पे मैं टेबल बना लेता हूं इस तरह का, टाइम वोल्टेज डेसिमल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और बाइनरी वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वैसे बाइनरी नंबर ना भी निकालूं तो चल जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन चले हम बाइनरी की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बाइनरी नहीं भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा, समझाता हूं मैं। तो जीरो टाइम पे चेक करनी है, 0.25 पे, 0.5 पे, 0.75 पे, 1.0 पे, 1.25 पे, 1.5 पे, एग्जामिनर की डिमांड है। जीरो टाइम पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है, जीरो टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू 1 से भी कम है ना। अच्छा, इसका पहले लीस्ट काउंट निकाल लें, ये 2 वोल्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 2/0.5, लीस्ट काउंट इसका 0.4 है, तो पहली वैल्यू 0.2 बन रही है, तो 0 ही बन रही है, जीरो टाइम पे वोल्टेज की जीरो वैल्यू है। 0.25 पे वोल्टेज की 8 वैल्यू, 8। 0.5 पे वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, ये 10 और 12 के दरमियान एग्जैक्ट 11। 0.75 पे वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, ये एग्जैक्ट आ रही है 10। बेटा मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं, 1 पे वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, ऊपर तक आ रही है ये वैल्यू, ये बेटा 15। 1.25 पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है, ये 7 पॉइंट समथिंग है, तो क्योंकि 7 नहीं है। 1.5 पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है, 1.5 पे ये वैल्यू है, 4 से थोड़ी ऊपर है तो 4 ही लेंगे, और ठीक है। जनाब, अब बाइनरी नंबर में ना भी कन्वर्ट करें तो चलेगा, भाई ये तो ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमीटर क्या करता है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा 000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सही करो 11 बनाना, सॉरी 1011, अब चेक कर लेंगे, ये होगा, ये होता है 1010, ये होता है 1111, 7 किसके इक्वल होता है, 111, 1 + 2 + 4, 4 किसके इक्वल होता है, 0100, ठीक है। ये स्टेप ना भी करेंगे तो चल जाएगा, मैंने वैसे ही कर दिया, उससे पूछा नहीं हुआ। अच्छा, जब आप ये वैल्यू सेंड करोगे, सेंडर टू ट्रांसमीटर को ये वैल्यू मिलेगी ना, वो दोबारा इसको इस पे कन्वर्ट करेगा, तो हमें ये ऐसे ही निकाल लेंगे, ये ना भी निकालते तो काम चल जाता है, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, जब रिसीवर पे ये वैल्यू मिलेगी तो जीरो कर देगा, तो अब जब जीरो मिलेगी तो अब आउटपुट इसी पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, आउटपुट नीचे ब्लैंक दिया हुआ है, मैं इस पे ड्रॉ करूं, तो जीरो टाइम पे वोल्टेज जीरो है, ये जीरो ही रहेगी जब तक 0.25 नेक्स्ट डाटा नहीं आता, ये 0.25 पे वोल्टेज 8 हो जाएगी, 8, 0.25 पे वोल्टेज अब सीधा ऊपर 8 पे जाएंगे, 8, और ये 8 रहेगी जब तक नेक्स्ट डाटा नहीं आता, 8 रहेगी, 8, 8, फिर 0.5 पे 11 हो जाएगी, 0.5 पे वोल्टेज 8 से 11, 11 कहां है, यहां पे 11, और 11 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट डाटा नहीं आता। 0.75 पे वोल्टेज 10 हो जाएगी, वोल्टेज 10 आगे तक ही 10 रहेगी। अच्छा जनाब, 1 पे वोल्टेज 15 हो जाएगी, 1 पे वोल्टेज 15 ये इधर ही हो जाएगी, 1 पे वोल्टेज 15 हो जाएगी,
अच्छा 1.25 पे वोल्टेज 7 हो जाएगी। 7 कहां पर है? ये 7 7 और 7 कब तक रहेगी? जब तक नेक्स्ट डेटा नहीं आता। और 1.5 पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 4 4 कहां है? ये वही है जी। जरा अब जरा गौर से देखें, ये क्लियर नहीं है ना। हमने भेजी ये वाली वेव थी ये, और मिली ये वाली वेव है। रेड कर देता हूं, क्लियर नजर आए। मैंने रेड कर दी, आपको नजर क्लियर आए? जरा रेड में रेडी करो, ब्लू और रेड दोनों मिलकर नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी ठीक ऊपर से बिल्कुल 0.5 से 1.0। जी जनाब, ये देखिए बेटा, आपने भेजी कौन सी वेव थी? ये वाली वेव सेंड की थी, और मिली कौन सी है? ये रेड और ब्लू वाली। तो देखो सेम, ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है, बहुत फर्क है ना। क्यों? आपने सैंपलिंग इंटरवल बहुत ज्यादा रखा हुआ, इतना ज्यादा रखा हुआ। ये पीक भी मिस हो गई, ये 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 भी मिस हो गई। ये अच्छी कन्वर्जन नहीं है। तो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, पूछा होगा अगले पार्ट में। तो क्या करेंगे? स्टेप विड्थ कम होनी चाहिए। स्टेप विड्थ कैसे कम हो सकती है? इंक्रीजिंग द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। जितनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, स्टेप विड्थ कम हो जाएगी। और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स कर देंगे तो ये वो क्या होती है, स्टेप हाइट भी कम हो जाएगी। आपको पता ना इतनी हाइट है, और कम हो जाती तो ज्यादा अच्छी वैल्यू होती। तो पूछा होगा अगले पार्ट में, जरा ऊपर करें बस, अगले नीचे लिखा हो और आगे ऊपर करें। हाँ जी, उसी क्वेश्चन मैंने ये आगे कर दिया। ईच नंबर ऑफ आउटपुट इज एडीसी इज अ डिजिटल नंबर वेयर द स्मॉलेस्ट बिट रिप्रेजेंट 1 मिलीवोल्ट स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इन ईच डिजिटल नंबर सो दैट इट कैन बी सैंपल्ड फुली। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 15 वोल्ट तक आ रही है ना, 15 तक 4 बिट चलेगा, 15 तक 4 बिट डील कर सकते हैं ना, 0 से लेके 15 तक। कितनी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज की है वो 15 मिली वोल्ट तक है। तो आपको 4 बिट डेटा भी चलेगा, तो 4 बिट यूज हो सकती है। द डिजिटल नंबर प्रोड्यूस्ड बाय टाइम 0.5 पे जो वैल्यू थी, 0.5 पे 11 थी, इसका डिजिटल नंबर बताना है। इसका डिजिटल नंबर क्या है? 1011। उसके बाद अगले पार्ट में ये पूछा हुआ था उसने। और कुछ है क्या पार्ट? बस बेटा, सो आज हमने क्वेश्चंस को बंद कर दो। और करेंगे एक और करेंगे। टाइम कितना हुआ है? 27 मिनट्स। पहला वाला क्वेश्चन निकालो। जी स्टेट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सॉरी दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन दोबारा कौन सी है? मई जून 17 वेरिंग 42 क्वेश्चन कह रहे हैं हम, कन्वर्जन के क्वेश्चन कर रहे हैं। एडीसी और डीएसी, क्या है क्वेश्चन? स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म रादर देन इन एनालॉग फॉर्म। दो एडवांटेजेस बताने हैं डिजिटल में। तो क्या है जी? लेस एक्सपेंसिव है, सिंपलर है, नॉइस कैन बी फिल्टर्ड आउट और सिक्योर है। चार चीजें। अच्छा आप ऊपर करें, एनालॉग सिग्नल के आगे क्या लगा होता है? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये डिजिटल सिग्नल भेजता है। अगर डीएसी तो हम एनालॉग सिग्नल मिलता है आपको। आगे कहता है आउटलाइन द प्रोसेस बाय विच एडीसी कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल S1 इनटू डिजिटल। आउटलाइन द प्रोसेस, इसकी वर्किंग बतानी है। व्हाट इज द प्रोसेस कि जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं? तो क्या है स्टेप्स जी? व्हाट आर द स्टेप्स? क्यों भी दानियाल फोरम बैठे हो? सालिया, हाँ जी। तो क्या है जनाब, एनालॉग सिग्नल एडीसी क्या करता है? तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे वोल्टेज की वैल्यूज चेक करता है और उसको बाइनरी डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करता है। तो कहेंगे द सिग्नल इज सैंपल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, द सिग्नल इज सैंपल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड ईच वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कन्वर्टेड इंटू अ डिजिटल नंबर, इन टू अ बाइनरी नंबर, इंटू अ डिजिटल नंबर एंड देन सेंड बैक।
ये क्या करेगा, डीएससी अगर पूछा होता तो इट रिसीव्स द डिजिटल नंबर्स एंड कन्वर्ट्स इनटू डेसिमल नंबर्स एट द रेगुलर टाइम इंटरवल्स। आगे करें, कहता है एडीसी एंड डीएससी ऑपरेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी रेट, ऑपरेट विद द सेम सैंपलिंग रेट एंड द सेम नंबर ऑफ बिट्स इन ईच डिजिटल नंबर। डीएससी और एडीसी सेम पे काम करेंगे। स्टेट द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिटेड एनालॉग सिग्नल व्हेन एडीसी एंड डीएससी द सैंपलिंग रेट इज इंक्रीज्ड। जब सैंपलिंग रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जब सैंपलिंग रेट बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, सैंपलिंग इंटरवल कम हो जाएगा तो स्टेप विड्थ कम हो जाएगा, स्टेप विड्थ विल बी रिड्यूस्ड। द नंबर ऑफ बिट्स कैन बी इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ बिट बढ़ा देंगे तो स्टेप हाइट विल रिड्यूस। तो फिर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बिट बढ़ाने से मोर लेवल्स बन जाएंगे तो स्टेप हाइट विल बी रिड्यूस्ड। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा और क्वेश्चन कोई देखिए। हाँ जी, अ डिजिटल सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड बाय सैंपलिंग एन एनालॉग सिग्नल एंड पास थ्रू एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ कन्वर्टर। डिजिटल सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड बाय सैंपलिंग एन एनालॉग सिग्नल and passing the sample through an analog to digital converter ADC. What is meant by digital signal? Digital signal consists of zeros and ones. It consists of bits, zero and one, only. एक नंबर आ जाएगा, दो नंबर आए, इसकी मार्किंग स्कीम में निकालने जरा, क्या मार्किंग स्कीम, ऊपर करो, कौन सा ईयर? ये है फरवरी मार्च, मेरी 42, इधर आए। फरवरी मार्च है, आदि। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ हाईज एंड लोज, ऑन एंड ऑफ, वन्स एंड जीरो, टू वैल्यूज विद नो इंटरमीडिएट वैल्यूज। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इसकी मार्किंग स्कीम का आंसर बता रहा हूं, जीरोस एंड वन्स। निकालो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हां जी, तो बता दीजिए व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल सिग्नल। State what change to the sampling or ADC that will improve the accuracy of reproduction. State one change of the sampling. So sampling in intervals should be small, sampling frequency should be high to reduce the step width. What change to the sampling or ADC that will improve the accuracy of the reproduction of digital signal? Marking scheme ka likha aakhir mein sabse last. Haan ji, kya kehte hain, use higher sampling frequency, use more bits each sample, use more levels in each sample. वही बात है, higher frequency. फिर दोबारा करें आगे, आखिर बात। हाँ जी, आगे कहते हैं, the least significant bit of the 4-bit number represented by a voltage 2.5 determine. एक मिनट, the least significant bit of 4-bit number 1100 represents a signal voltage of 2.5 millivolt. Determine the signal voltage in millivolt represented by the number 1100. 1100 किसके इक्वल है? 1100 कह रहे हैं कि least significant 2.5, एक जो बिट है ना 2.5 के इक्वल है। पहले तो 11 को कन्वर्ट करेंगे आप, 11 किसके इक्वल है, ये बन जाएगा ना 8 प्लस 4 12, लिखो 1100, ये किसके इक्वल है, इसको 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई होना है, इसको 2 पावर 1 से, इसको 2 पावर 2 से, इसको 2 पावर 3 से, तो 8 प्लस 4 ये 12 के इक्वल है ना, 12 के इक्वल है। और कह रहे हैं ईच बिट रिप्रेजेंट 2.5, एक जो बिट है ना ये 2.5 को रिप्रेजेंट करती है, तो 12 है ना, 12 इंटू 2.5 तो आ जाएगा 30 मिली वोल्ट। दोबारा सुनिए, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये आखिर वाली जो चीज होती है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, ये इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको रिप्रेजेंट करती है, 2.5 मिली वोल्ट को।
इसकी जो लास्ट वाली बिट है, इसकी जो वन जब होगी तो वन मतलब इस इधर का जो वन होगा वो किसके इक्वल होगा, 2.5 के इक्वल होगा। सो काम कर दो, दरवाजा खोल। सो बेटा हमारी लाइट चली गई है। सो मैं आपको मेरी आवाज